अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इस पाप के बारे में जो आज हर घर में देखने को मिलता है। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर की स्त्री की ये एक गलती कैसे पूरे घर को बर्बाद करती है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सी वो चीज है जो आपको कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालनी चाहिए वरना घर में आती है भयंकर गरीबी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हर किसी को पसंद होता है। घर में स्वच्छता का होना बहुत ही जरूरी है। एक स्वच्छ घर में स्वस्थ परिवार रहता है। माँ लक्ष्मी को भी स्वच्छता बहुत ही प्रिय है और वो उसी घर में निवास करती है जिस घर में स्वच्छता होती है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में सजावट की वस्तुएं कितनी महंगी है। घर की वास्तविक शोभा और सुंदरता तो केवल उसकी साफ सफाई और स्वच्छता से ही होती है। एक छोटा सा मगर साफ सुथरा घर भी लोगों को आकर्षित करता है, जबकि सुख सुविधा की सभी वस्तुओं से युक्त बड़ा सा घर भी अगर अस्वच्छ और गंदा हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। स्वच्छ घर में रहने वाले लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा तो रहता ही है, साथ ही उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। वास्तुशास्त्र या वास्तु विज्ञान भी यही कहता है कि घर में अगर स्वच्छता हो, प्रत्येक वस्तु अगर उसके निर्धारित स्थान पर रखी गई हो, वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया गया हो तो ऐसे घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर की स्वच्छता और साफ सफाई के लिए दो वस्तुएं बहुत जरूरी हैं। वो वस्तुएं हैं झाड़ू और कूड़ादान यानी कि डस्टबिन। आमतौर पर दोनों ही वस्तुओं को हम केवल साधारण सी वस्तु समझते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इन दोनों ही वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है। इसीलिए हमें इन दोनों ही वस्तुओं को वास्तुशास्त्र में बताई गई उचित जगह और उचित दिशा में रखना चाहिए। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार बताएंगे कि झाड़ू और कूड़ेदान को घर में कहाँ रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए और कूड़ेदान के अंदर कौन सी चीजें डालनी नहीं चाहिए। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि झाड़ू को घर में रखने के क्या नियम है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों झाड़ू को आम तौर पर हम एक साधारण सी वस्तु समझते हैं जो कि मात्र घर को स्वच्छ करने का काम करती है, लेकिन वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो झाड़ू घर की बहुत ही जरूरी वस्तु होने के साथ ही दैवीय शक्तियों से युक्त होती है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा ही बाहरी लोगों की दृष्टि से बचाकर रखें ताकि आपके घर की लक्ष्मी को किसी की बुरी नजर ना लगे। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, बल्कि हमेशा सुलाकर यानी लिटाकर आराम से रखें। झाड़ू से केवल सूखा कचरा ही साफ करें, कभी भी उल्टी झूठन या फिर विष्ठा साफ करने के लिए झाड़ू का प्रयोग ना करें। झाड़ू को हमेशा घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। शाम को यानी सूर्य अस्त के समय या सूर्य अस्त के बाद झाड़ू घर में नहीं लगानी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। आइए अब देखते हैं कि कूड़ेदान के विषय में वास्तुशास्त्र में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात, हमारी सृष्टि की हर एक छोटी से छोटी वस्तु में भी उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी। इस तरह घर में रखे जाने वाले कूड़ेदान से भी हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण उसके आसपास के परिसर में भी हमेशा नकारात्मकता फैली हुई रहती है, जो हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालती है, वो भी नकारात्मक। दूसरी बात, कूड़ेदान को कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने या उसके पास नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान होने से वातावरण में फैली नकारात्मकता को ये अपने अंदर खींच लेता है और उसके कारण वो सारी नकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार से हमारे घर में प्रवेश करती है और घर के अंदर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। तीसरी बात, घर में रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए। आग्नेय दिशा यानी पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा। वास्तु के अनुसार आग्नेय दिशा में कभी भी कूड़ादान नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपने घर की रसोई घर में भी कूड़ादान रखना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से इसके अशुभ परिणाम मिलते हैं और धन की हानि होती है। लेकिन अगर आपने अपने रसोई घर में कूड़ादान रखा है तो रोजाना उस कचरे को आप बाहर करें। चौथी बात, घर के ईशान कोण में कूड़ादान रखने से घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है और घर में दरिद्रता का आगमन होता है। ईशान दिशा ईश्वर की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में हमेशा मंदिर को बनाया जाता है, इसीलिए इस दिशा में कूड़ादान ना रखें। पांचवी बात,
हमारे घर के नेतृत्व दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा में कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। इस स्थान पर कूड़ादान रखने से पति पत्नी के संबंधों में तनाव आता है और रिश्ते टूट जाते हैं। छठी बात, घर की उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा होती है, इसीलिए इस दिशा में तो कूड़ादान भूल कर भी ना रखें, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है और घर से वैभव भी चला जाता है। सातवीं बात, घर की वायव्य दिशा यानी उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में कूड़ादान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये जगह सबसे उपयुक्त मानी गई है। इस दिशा में घर का कूड़ादान रखने से घर में धन की बचत होती है, घर में धन का संचय होता है और धन संबंधित दोष दूर होते हैं, इसीलिए कूड़ेदान को वायव्य दिशा में ही रखें। आठवीं बात, कूड़ेदान में भूल से भी पूजा की सामग्री, पूजा के फूल, देवी देवताओं की फटी हुई तस्वीरें, टूटी हुई झाड़ू या पूजा से संबंधित किसी भी प्रकार की वस्तु आपको नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और इसका हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। पूजन सामग्री और पूजा के फूलों को एक जगह पर इकट्ठा करके रखें और किसी दिन जाकर उसे बहते हुए पानी में डाल दें या फिर किसी मंदिर के पास रख दें, वरना आपकी इस गलती से सभी देवी देवता घर से नाराज होकर चले जाते हैं और ऐसे घर में कभी भी बरकत देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये थे झाड़ू और कूड़ेदान से संबंधित वास्तु नियम। चलिए अब जान लेते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। दोस्तों, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पाप जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पाप अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ता। आपको बता दें कि इस संसार में भांति भांति के लोग होते हैं। कुछ बुरे किस्म के होते हैं जो जिंदगी भर पाप करते रहते हैं और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो हमेशा पुण्य करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा बड़ा पाप क्या है? अगर आप इस बात को जान लेंगे तो दोबारा ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि ये एक ऐसा पाप है जो व्यक्ति के अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। ईश्वर ये कहते हैं कि ये पाप अगर जिस व्यक्ति से हो जाए तो उसे मनुष्य का जीवन बड़ी कठोरता से मिलता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पाप कोई और नहीं बल्कि नारी का अपमान होता है। नारी का अपमान पूरी जाति का अपमान माना जाता है। नारी अपमान संसार को बर्बाद करने के बराबर माना गया है। नारी जब रोती है तो देवता भी रोते हैं। नारी को कष्ट देना पूरे संसार को डुबाने के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को गांठ बांध ले और नारी का सम्मान करे तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति अवश्य होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब जब नारी के आंसू बहते हैं तब तब महाप्रलय आती है और जहां नारी खुश होती है तो वहां पर देवताओं का वास माना जाता है और ऐसे ही व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसीलिए आप भी गांठ मान लें और गलती से भी नारी को कष्ट मत पहुंचाइए। वहीं अगर घर की महिलाएं बिना वजह घर में बार बार रोए, अत्यधिक क्रोध करे, घर के सदस्यों में भेदभाव करे, बड़ों का आदर ना करके उन्हें अपशब्द कहे, पति से बिना वजह बात बात पर लड़ाई करे, पति को अपशब्द कहे, लात से मारे, तो ऐसे घर में कभी भी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। ऐसा घर बर्बाद हो जाता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।